ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल के गठबंधन से किनारा करने के बाद अब उद्धव ठाकरे ने भी कांग्रेस को आंखें दिखाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ने के ममता बनर्जी के ऐलान के बाद आदित्य ठाकरे ने उनकी तुलना शेरनी से कर दी। आदित्य ठाकरे ने कहा कि ममता बनर्जी किसी शेरनी की तरह लड़ रही हैं। इससे इस आशंका को बल मिलने लगा कि महाराष्ट्र में भी इंडिया अलायंस में फूट पड़ सकती है, क्योंकि जिस तरह से अधीर रंजन चौधरी के बयानों से नाराज ममता बनर्जी ने कांग्रेस का साथ छोड़ा, उसी तरह से महाराष्ट्र में कांग्रेस के पास संजय निरुपम है जिनकी उद्धव ठाकरे से पुरानी खटपट है। महाराष्ट्र में कांग्रेस शिवसेना और एनसीपी का गठबंधन रहा, लेकिन शिवसेना में दो फाड़ होने के बाद बैलेंस बिगड़ता नजर आ रहा है। यहां पर कांग्रेस और शिवसेना में सीटों के बंटवारे को लेकर जबरदस्त पेच फंसा रहा। सीटों के बंटवारे की ही बात पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस का हाथ और साथ दोनों छोड़ दिया। असल में मिलिंद देवड़ा मुंबई दक्षिण से लोकसभा चुनाव लड़ते रहे हैं। 2004 से 2014 तक वो इस सीट से सांसद चुने गए। नए समीकरण बनने में उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के खाते में ये सीट जा रही है। इसको लेकर ही देवड़ा ने कांग्रेस छोड़ दी। कुछ इसी तरह का पेंच संजय निरुपम की उत्तर पश्चिम मुंबई सीट पर भी फंसा रहा है। इसके अलावा संजय निरुपम और संजय राउत के बीच काफी आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है। संजय निरुपम ने तो यहां तक कह दिया था कि क्षेत्रीय दल अब कांग्रेस को सलाह दे रहे हैं। संजय राउत पर हमला बोलते हुए निरुपम ने कहा था कि उन्होंने कभी कॉर्पोरेशन तक का चुनाव नहीं लड़ा था और वे अहंकार में आकर बातें कर रहे हैं। Your report, News of India.